चल रहा है अपना प्रोग्राम, उनकी देख रहे कहानी, हैं। उनकी जन्मदिन की कहानी जो आए। तो हेलो गाइस, शुद्ध गरीब ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और हम आ गए अपने घर, और बर्थडे वाला आज ही हम अपलोड कर रहे हैं ब्लॉग। तो देखिए हमारा ब्लॉग। और दूसरी ये बात है कि जिनके घर पे थे वो घर के ऑनर बहुत अच्छे थे, जहाँ हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया था। तो उन्होंने हमको मछली के बारे में भी बताया। उनके यहाँ मैंने फर्स्ट टाइम एक्वेरियम, ऐसे कुछ नाम है उसको, मैंने फर्स्ट टाइम देखा। तो उन्होंने हमको इसके बारे में भी बताया। तो हम आपको चलते हैं पहले बर्थडे की ओर लेके। चल रहा है अपना प्रोग्राम, देख रहे हैं। मेरे सुनो, ले जाओ भाई यहाँ। मैं अरे मामा घर के सामने वाले घर है, देखिए कितना बेहतरीन है। आज हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ आए हैं हमारी बहन का बर्थडे सेलिब्रेट करने को, जिससे पता न चले हम लोग गरीब हैं। तो यहाँ ये मेरा भाई लगा रहा है खाने के ठोल। ये अब बंदा वीडियो लेके जाएगा, क्योंकि हमको भी यही काम करना है। लेके जाएगा, ये मेरी महतारी जी आ गई, मम्मी जी, वो देख रहे हैं अंदर। ऐसे करके ठीक है, जाओ 5-7 मिनट तो बना लेना, आज यूट्यूब अपलोड करेगा। तो गाइस अभी हम उन्हीं के घर पे हैं, और अब हम ऊपर जा रहे हैं। ऊपर हम मछली के बारे में जानने, क्योंकि उन्होंने मेरे को बोला था कि आप देख लेना, आपको अच्छा लगेगा। तो अब हम जाएंगे उन्हीं के सबसे ऊपर, उनका घर 3 फ्लोर का है। तो अब हम जाएंगे उनके 3rd फ्लोर पे घर के ऊपर, और वहाँ जाएंगे तो मछली का एक्वेरियम देखेंगे। और उसके बाद हम आपको वहाँ पे बताते हैं। हमको ज़्यादा कुछ नॉलेज है तो नहीं, शायद अगर जो वो कुछ बताएं तो अच्छी बात है, वरना हम ही बताएंगे कि कौन सी क्या मछलियाँ हैं। तो चलते हैं, हम आपको वहाँ पे वीडियो दिखाते हैं। आज मैं सुनाता हूँ आपको मछलियों की कहानी, इनकी जन्मदिन की कहानी जो आई थी ये तीजा के दिन। ये तीजा के दिन आई थी, ये खाना पीना कैसे खाती है हम इसके पूरे वीडियो में बताएंगे। आज के गुद्ध गरीब ब्लॉग को मैंने ये पहली बार एक्वेरियम देखा है। मेरे पास पहले एक्वेरियम नहीं था, मैं मामा के यहाँ घर गया तो मुझे एक्वेरियम दिखाई दिया, जो एक्वेरियम में बहुत सारी मछलियाँ हैं। मैं उसे तो नाम भी नहीं मानता, मेरे मामा ने मुझे परिचय कराया कि कौन सी मछली क्या नाम है। ये जो आपको सामने दिखाई दे रही है सुभांगिनी मछली है, ये रेड गोल्ड है, गोल्ड है और सिल्वर डॉली है। आपको यहाँ पे शार्क है, क्रोकोडाइल है, यहाँ पे कई प्रकार की मछलियाँ इस एक्वेरियम में उपलब्ध हैं। एक्वेरियम में मछलियों को ज़िंदा रखने के लिए यहाँ पे फिल्टर और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो फिल्टर और ऑक्सीजन यहाँ पे चल रहा है। फिल्टर जो बंद हो जाए तो इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। इनका पानी कम से कम 15 से 20 दिनों में बदलना पड़ता है, जिससे कि इनका पानी साफ़ सुथरा रहे। इनका ऑक्सीजन लेवल को सही करना पड़ता है, और आपको इसमें कुछ दवाइयाँ मिली होती हैं, मतलब मिलानी होती है पानी को, जो आप नल का ताज़ा पानी भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी। आप में डेकोरेशन की चीज़ें जितनी भी फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, आप ये एडिशनल एक्सेसरीज आप बढ़ा सकते हैं। इसमें ये ग्रीन जो आपको कलरफुल पत्थर दिखाई दे रहे हैं, ये कलरफुल पत्थर सिर्फ इसके रौनक मतलब सुंदरता को बढ़ाने के लिए, इसका कोई खास बेनिफिट नहीं होता है। आपका एक्वेरियम में देखें होंगे कि इस प्रकार के पत्थर नहीं पाए जाते हैं। ये एक्वेरियम में जो बड़ा सा पत्थर चट्टान की टाइप का दिखाई दे रहा है, ये पत्थर नॉर्मल है जो पहाड़ों या समुद्र नदियों में पाया जाता है। वो पत्थर को हमने यहाँ पे नेचुरली पत्थर को यहाँ पे लगाया हुआ है। और जो ग्रीन कलर की घास जो हरी कलर की दिखाई दे रही है चपटे पत्तों को, ये भी आर्टिफिशियल ही है। कोई भी यहाँ पे चीज़ें नेचुरली नहीं है, ये सभी आर्टिफिशियल चीज़ें लगाई गई हैं। और यहाँ पे ये मछलियों को रहने के लिए उचित व्यवस्था बनाई जाती है। इनके प्रजनन के लिए एक उम्र होती है, जिसमें ये वयस्क होने के बाद इनका प्रजनन काल आता है, जिनका ये यहाँ पे ब्रीडिंग करेंगे, जिसके अंडों से बच्चे निकलते हैं। 24 से 48 घंटे में इनके छोटे छोटे बच्चे दिखाई देने लगते हैं, और आपको फिल्टर की वजह से आपका ये पानी साफ रहता है। ऐसे फिल्टर में देखिए कि आप किस प्रकार से बुलबुले निकल रहे हैं। जो बुलबुलों में ऑक्सीजन बाहर से ऑब्जॉर्व करता है, इसकी पाइपलाइन बाहर से सप्लाई जुड़ी होती है, इसको ये कंटिन्यू आपको चालू रखना होता है, नहीं तो आपकी मछलियों को मरने की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की बहुत ही ज़रूरत होती है। अब आपको मछलियों को उंगलियों के द्वारा परिचय कराऊंगा। जैसे ये हमारी गोल्ड फिश है, ध्यान से देखिए, ये हमारी ये गोल्ड फिश है,
और ये हमारी शुभांगिनी मछली का है, इसका नाम है। ये जो हमारी लंबी सी मछलियाँ दिखाई दे रही हैं, ये हमारी शार्क मछली है, ठीक है। और एक क्रोकोडाइल मछली है जो इसके अंदर छिपी हुई रहती है, वो बहुत कम ही दिखाई देती है, वो अंदर ही रहती है। गंदगी को साफ़ करने का, काई को साफ़ करने का काम इसका रहता है। और वो है सिल्वर डॉली, इधर से आप दिखाइए कैमरा में, ये है सिल्वर डॉली मछली। जो सिल्वर डॉली मछली है जो बहुत ही अच्छी होती है, और ये इनकी की उम्र की लाइफ जो होती है 8 से 10 साल भी होती है। जब इनको सही इन्वायरमेंट मिलता है तो इनकी उम्र 8-10 साल भी हो सकती है। तो गाइस हम मछली भी देख चुके हैं, बर्थडे पार्टी भी इंजॉय कर चुके हैं, हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। तो अब हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन हाँ, आपको एक चीज़ बता दें कि वो बात क्या थी, मैं से भूल ही जा रही है। हाँ याद आया कि आप लोग हमारे वीडियो ढंग से देखते नहीं हैं यार, ये गलत बात है। मतलब इतनी मेहनत से वीडियो बनाओ और ऊपर से आप लोग वीडियो देखो, मतलब बहुत बुरा लगता है दिल से। तो मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग हमारे वीडियो को देखा करें, नहीं होता है समय तो थोड़ा सा ही देखें, लेकिन वीडियो ज़रूर देखें। तब तक के लिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।